तुमसे मिलने आई हूँ। अफसोस करने? इतनी हेल्प की मेरी? मैं नहीं आऊंगा। पोस्टर लॉन्च की क्या रिएक्शन मिला है पोस्टर लॉन्च पर? हेलो दोस्तों, आज मैं आपकी हूँ सितांशी कोठारी और स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज हम बात करने जा रहे हैं सत्य प्रेम की कथा फिल्म से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग खबरों पर। तो एक्साइटमेंट को ऐसे ही बरकरार रखिए एंड वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा, क्योंकि हम सच्ची में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताएंगे। कियारा एंड कार्तिक आजकल काफी ज्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड के एकदम जबरदस्त फिल्म की फ्रेंचाइजी में अपना जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है, जिसका नाम है भूलभुलैया 2। जी हाँ दोस्तों, काफी सुपरहिट फिल्म रही है, पर अब इसके साथ साथ ये दोनों एक और मूवी में दिखाई देने वाले है और एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होगी। फिल्म का नाम है सत्य प्रेम की कथा। ये फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं समीर विद्वान। फिल्म का नाम सुन के ही लग रहा है कि एक काफी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी होने वाली है, एंड कियारा है तो बस लव शव तो होना ही है। वैसे तो वो बड़ी जस्ती है सभी रोल्स में। कियारा कबीर सिंह शेरशाह जैसी फिल्मों से सबकी पसंद बनी हुई है, क्योंकि वाकई में अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस थी उनकी। खैर दोस्तों, कार्तिक ने कियारा को एक काफी अच्छा सरप्राइज दिया है, और वो क्यों दिया है हम आपको बताएंगे। अब वो सरप्राइज तो है सत्य प्रेम की कथा फिल्म का एक पोस्टर जो लॉन्च हुआ है, जिसको फैंस ने काफी प्यार दिया है, और इसमें कार्तिक एंड कियारा दिख रहे हैं फुल ऑन रोमांटिक अवतार में। कार्तिक ने काफी कसकर पकड़ा है कियारा को, फिर से उनकी केमिस्ट्री दिख भी रही है पोस्टर में, और वैसे भी भूलभुलैया 2 के बाद से काफी छा रही है ये जोड़ी, और अब ये बेस्ट फ्रेंड्स भी बन चुके हैं। जब ये पोस्टर इसलिए लॉन्च किया है क्योंकि 31 जुलाई यानी कि यस्टरडे को कियारा का बर्थडे था, और तो और हाँ, यही खास वजह है इस पोस्टर लॉन्च की, जिससे फैंस को काफी अच्छा सरप्राइज मिला है और साथ ही साथ कियारा को भी। एंड ये पोस्टर कार्तिक ने डाला है उनके इंस्टाग्राम पर, लिखा है हैप्पी बर्थडे कथा, और काफी ज्यादा प्रेजेस मिल रहे हैं इस पोस्टर को, चाहे वो ऑडियंस से हो या फिर इंडस्ट्री वाले से हो। एंड अब सब इंतजार कर रहे हैं कि कब ये फिल्म रिलीज होगी। अब ये फिल्म डायरेक्टर समीर की एकदम अच्छी बजट एंड बड़े स्टार्स को लेकर फिल्म बन रही है, तो अब देखते हैं कि ये प्रेम की कथा एंड ये जोड़ी क्या धमाल मचाती है बड़े पर्दे पर। आप कितने एक्साइटेड है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब कियारा ने रिसेंटली जब जब जियो में अपना परफॉर्मेंस दिया था, वो भी एकदम क्लासी था, और आने वाले टाइम में गोविंदा नाम मेरा RC-15 जैसी फिल्मों में वो दिखाई देंगी, और कार्तिक आर्यन की भी काफी फिल्में आ रही है, जैसे कि शहजादा, दोस्ताना 2। अब सत्य प्रेम की कथा तो सुनने में काफी यूनिक है, तो देखते हैं कि मेकर्स इन ऑल वाकई में बस क्रिएट करेंगे पोस्टर के बाद भी या नहीं। आपका क्या कहना है कि क्या फिर से ये जोड़ी होगी हिट एंड हिट? हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर लौटेंगे एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू।